हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है 2024 नज़दीक आ रहा है, ठीक उसी तरीके से आप लोगों की जो वैकेंसीज़ हैं उसकी जो चर्चाएं हैं वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं। और आप लोगों की जो वैकेंसीज़ हैं, रेलवे में कितनी वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी, क्या होगा, उसके बारे में भी बात करते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूँ कि SSC ने अपनी वैकेंसीज़ ओपन की हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि भैया केंद्र सरकार में 1,00,000 नौकरियाँ हम देंगे, तो वो ऐसे ही नहीं बोला है। वैकेंसीज भले ही 5,00,000 आए, 7,00,000 आए, वो बात अलग है, लेकिन 10,00,000 वैकेंसीज बोला है, तो उनके पास भी कुछ आंकड़े हैं जो ठीक इसी तरीके से निकल के आते हैं जो आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार में 9.8 लाख पद खाली हैं, जिसमें से SSC ने अपने जो चीजें हैं वो खोल के रख दी हैं, बता दिया है कि भैया हमारे पास इतनी वैकेंसीज यहां हैं, हम यहां पे वैकेंसी निकाल रहे हैं। अभी MTS वगैरह की वैकेंसी और बची है, बाकी उन्होंने वैकेंसीज अपनी निकाली हैं, और उसके अलावा GD की वैकेंसी भी आप लोगों के सामने ही है। तो अगर बात करें कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं है, तो रेलवे जो है वो अभी डिपार्टमेंट बचा हुआ है। देखिए, आपने देखा होगा डाक विभाग में भी अभी वैकेंसीज के बारे में बात हुई थी, तो यहाँ डाक विभाग में भी जो 90,000 पोस्ट खाली हैं उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने जो वैकेंसीज को फिलअप करने की बात कही गई है। अभी बस रेलवे है जिसकी तरफ से कोई चीज निकल के नहीं आई है, जो आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा, और जो आपके टीचर्स, बड़े बड़े टीचर्स सब कर रहे हैं, उनको भी आप लोग जरूर से सपोर्ट कीजिए। बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके देखने को मिल सकते हैं। पास्ट में भी ऐसी चीज़ें हुई हैं, और आप लोगों को कुछ दंगा फसाद तो करना नहीं है, आप लोगों को घर से बैठ के उन लोगों को सपोर्ट करना है, हम लोगों को सपोर्ट करना है, तो भैया अच्छे से सपोर्ट करिए, बहुत अच्छे उसके रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल यहाँ बात करें तो रेलवे में जैसे वैकेंसी की बात हुई है, तो रेलवे में वैकेंसीज आप लोगों की देख सकते हैं, वैसे तो वैकेंसी 3,00,000 के करीब खाली हैं, ये मतलब 2,93,943 पोस्ट खाली हैं, लेकिन 3,00,000 पोस्ट तो नहीं भरी जाएंगी, ये तो आपको भी पता है, एक क्रम के अनुसार ही चीजें भरी जाती हैं। अब जो बच्चे ये डर रहे थे, या जो लोग ये कह रहे थे कि जून तक कोई वैकेंसी नहीं देखने, भले ही जून तक मिले या नहीं मिले उससे चीज नहीं है, ये ऐसा भी नहीं है कि जून तक की सारी वैकेंसीज भर ली जाएंगी। उस नोटिफिकेशन में भी यही बात कही गई थी कि भैया जून तक की जितनी वैकेंसीज हैं आप उन्हें बता दो कि कितनी वैकेंसीज हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे कैंडिडेट वेटिंग में भर लेंगे, वेटिंग से पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा, मतलब आप खुद समझिए, हर साल करीब करीब 50-60,000 रिटायर होते होंगे, बल्कि ज़्यादा ही, तो इतने सारे लोग जो रिटायर हो रहे हैं वो वेटिंग लिस्ट से थोड़ी ना फिलअप हो जाएंगे, और ना ही इतनी वेटिंग लिस्ट है। वेटिंग लिस्ट में वो लोग भरे जा रहे हैं सिर्फ जिन लोगों ने जॉब छोड़ दी है, ज्वाइन कर करके उन लोगों की जगह पे नौकरियां भरी जा रही हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। आप उस चीज़ से डरिए मत, आप लोगों की जो वैकेंसी है वो निश्चित है और वो आएगी ही। SSC ने अपनी वैकेंसी निकाली है, डाक विभाग ने अपनी वैकेंसीज के बारे में बता दिया है, बस रेलवे की तरफ से अनाउंसमेंट होना बाकी है। अब भाई दोनों तरीके की बातें हैं। अब देखो, आप लोग सोच रहे हो कि अभी वैकेंसी आ जाए, जिन लोगों का सेशन चल रहा है ये ITI का, डिप्लोमा का, वो लोग सोच रहे हैं कि अगस्त में वैकेंसी देखने को मिले, जुलाई में वैकेंसी देखने को मिले, कि उनका भी नंबर आ जाए, मतलब उनको भी इंक्लूड कर लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें तो भैया अब गवर्नमेंट ही जाने कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंक्लूड करना चाह रही है। लेकिन इस चीज़ को आप लिख लीजिए कि वैकेंसी आप लोगों की श्योर है, जैसे रेलवे में बता दिया है कि 2,93,000, 2,64,000 इनकी रक्षा विभाग में है जो वैकेंसीज अभी तक चली रही हैं लगातार, और गृह मंत्रालय में आप लोगों को 1,43,000 पोस्ट हैं, डाक विभाग में 90,000 के बारे में बात हुई है तो उसके बारे में बात हो चुकी है, राजस्व विभाग में 80,000 पोस्ट हैं, ऑडिट विभाग में 25,000 हैं, तो ये तो आप मान के चलिए कि 10,00,000 पोस्ट तो शायद ना भरी जाएं, और भरी भी जा सकती हैं, क्योंकि ये आंकड़े तो अब तक के हैं, और वैकेंसी तो आगे तक, मतलब अभी अगले, जैसे मान लीजिए अभी वैकेंसी निकलेगी ALP टेक्नीशियन की, JE की, तो ये वैकेंसी अगले 3-4 साल को ध्यान में रखते हुए निकलेगी, क्योंकि एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कम से कम 1.5-2 साल चलता है, और ज्वाइनिंग होते हुए 2-2.5 साल भी लग जाते हैं। इस तरीके से वो रिक्रूट जो करते हैं वो 2024-25 तक का करेंगे, तो जितने लोग रिटायर हो रहे होंगे 2024-25 तक, तो ये वैकेंसी बढ़ के और बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ये मान के चलिए कि 1.5 से 2 लाख पद आपके पास हो सकते हैं ओवरऑल, जिसमें ग्रुप डी भी इंक्लूड होगा, जिसके अंदर ALP भी होगा। ALP के बारे में बात चल रही है कि 50,000 से लेकर 70,000 तक पद आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं ALP टेक्नीशियन के, ठीक है, और दोबारा से ग्रुप डी की वैकेंसी 86,000 आ सकती है। इसके अलावा NTPC अभी हुआ है, लेकिन वैकेंसी उसकी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता है जो आप लोगों के सामने इवेंट आने वाला है। तो बस मेरा आप लोगों से एक ही कहना रहेगा भैया कि अगर आप बहुत ज़्यादा सुपर टैलेंटेड हो तब तो आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं, मत पढ़ो, आप लास्ट टाइम पे भी पढ़ोगे तब भी आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक वीक स्टूडेंट हो तब मेरा आप लोगों से कहना यह है कि अभी टाइम है,
आप लोग धीरे 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 फाउंडेशन बना लो, चाहे कहीं से भी पढ़ के बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहां से मन करे वहां से अपने धीरे धीरे सिलेबस को कवर कर लो, जिससे कि लास्ट टाइम पे जब पूरे यूट्यूब पे धमाल मचा होगा ना, उस टाइम पे आप उस धमाल के बीच में आके रिविजन कर सको, क्योंकि उस टाइम पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। या तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो पढ़ने में तब कुछ होगा, अदरवाइज तो आप फिर पिछड़ जाओगे। इसलिए अगर आपको अपने आप को बनाना है तो आप इस टाइम पे चीज़ें कर लीजिए, आपके लिए बेहतर है। आज के सारे न्यूज़पेपर में ये खबर छाई पड़ी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ भी ये न्यूज़पेपर है कि संसद का शीतकालीन सत्र है, उसमें क्या क्या जवाब दिए गए हैं, IAS PCS के भी पद बताए गए। अब जैसे ये IAS के 1472 पद हैं, तो क्या आपको लगता है IAS के 1472 पद इस बार आ जाएंगे? कभी भी नहीं आएंगे, खाली हैं वो, अपने एक हिसाब से भरे जाएंगे कि कितने कितने हैं। खाली तो हमेशा रहेंगी वैकेंसीज, ऐसा कभी नहीं होगा कि 100% वैकेंसीज फिलअप कर ली जाए, ये तो आप समझ लीजिए। लेकिन आप लोगों के लिए वैकेंसी आएगी ये निश्चित है, आज नहीं तो कल वैकेंसी तो देखने को मिलेगी। इसलिए और देखिए, जैसे आप लोगों को रेलवे का नोटिफिकेशन है भाई, हो सकता है कि आपको 20 तारीख 22 तारीख के आसपास कोई नोटिफिकेशन दिख जाए जिसमें रेलवे अपनी वैकेंसीज के बारे में बता दे। कैलेंडर देना ना देना वो उनके ऊपर है, आप लोग सपोर्ट कर ही रहे हो तो हो सकता है पॉजिटिव रिजल्ट्स आए उसके, और हम भी चाहते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट आए। लेकिन इतना जरूर है कि वो अपनी वैकेंसी ओपन कर सकते हैं कि भैया हमारे इस डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसी है और हम इतनी वैकेंसीज निकालेंगे। ये भी बता सकते हैं कि कब ये वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, क्योंकि एकमात्र रेलवे डिपार्टमेंट है जो 2019 के बाद से उसने अपनी वैकेंसीज नहीं बताई हैं। बाकी तो लगभग सारे डिपार्टमेंट अपनी अपनी वैकेंसीज बता चुके हैं कि भैया हमारे यहाँ इतनी खाली पड़ी है, हम ये कर रहे हैं, और कुछ ने नोटिफिकेशन निकाले भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी अपने नोटिफिकेशन निकाल रही है। तो रेलवे की तरफ से जब मिलेगा तो बहुत बड़ा धमाका होगा, बस आप लोग ऐसे होने चाहिए। मेरा कहना तो यह है कि आप लोगों की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जिस टाइम आए उस टाइम आप फोड़ सको, बस। बाकी नौकरी तो आनी है, ये निश्चित है, इस चीज से आप निश्चिंत रहिए कि नौकरी आएगी नहीं आएगी, इस चीज को आप छोड़िए, नौकरी आनी है। रेलवे में ओवरऑल 15 लाख पद ये बता रहे हैं, जिसमें से 2,93,000 पद खाली हैं। और मैं आप लोगों को बताऊं, अभी कल परसों की न्यूज है, आप देखना, शायद मुरादाबाद के न्यूज़पेपर में थी कुछ था कि वो कह रहे थे कि रेलवे की जो लोको पायलट्स वाले पद हैं उनको बहुत जल्दी से जल्दी भरा जाए, क्योंकि जो ट्रेन्स हैं वो बढ़ गई हैं और स्टाफ जो है वो कम हो गया है, जिसके चलते एक्सीडेंट्स होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, इस तरह की न्यूज़ छपी हुई थी। वो अभी मुझे मिली नहीं, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखा देता। तो आप लोग ये मान के चलिए कि आपकी वैकेंसी तो आनी है और श्योर आनी है, क्योंकि सेफ्टी के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। लेकिन बाकी वैकेंसी अगर लोको पायलट नहीं होंगे, टेक्नीशियन नहीं होंगे, ट्रेन नहीं चल पाएगी, आप लोग समझ लीजिए। एक बार को क्लर्क काम नहीं है तो वो प्राइवेट क्लर्क काम कर लेगा, बाकी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अगर लोको पायलट नहीं है, ट्रेन नहीं आगे बढ़ेगी, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। लोको पायलट है, टेक्नीशियन है, ट्रक मेंटेनर है, इनका काम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव काम है, सेफ्टी कैटेगरी के पद हैं ये, इसलिए ये वाले पद जो है भरे ही जाने हैं, इस चीज़ को आप मान के चलिए। तो आप अपनी तैयारी को बूस्ट दे के रखिए, धीरे धीरे तैयारी करते चलिए। सबसे पहला ध्यान पेपर वन को क्वालिफाई करना होना चाहिए। कुछ लोग आप लोगों को इस टाइम पर साइको पढ़ा रहे हैं, जो आपके किसी काम का नहीं है। अभी साइको प्रेशर अपने दिमाग पे मत लीजिए, हो जाएगा, वो बहुत आसान है, सब लोग करते हैं। उसमें सिर्फ एक ही टेस्ट होता है, मेमोरी टेस्ट, जिसमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती हैं, उसके भी आप लोगों को फंडे पता चल गए तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इवन हमने भी सोचा है कि उसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। उसके लेक्चर भी मैं सोच रहा हूँ कि रिकॉर्ड करके डाल दें, लेकिन अभी आप लोगों को देंगे नहीं, क्योंकि वो जिस टाइम पे आपको चाहिए होंगे उस टाइम पे होंगे। बाकी समझा मैं दूंगा कि कैसे कैसे टेस्ट हैं, फुल जो एनालिसिस वीडियो है वो आप लोगों की मैं डाल दूंगा, एप्लीकेशन के अंदर वो डल जाएंगी, वो आप लोगों को मिल भी जाएंगी। तो गाइज, बस अभी मेरा आप लोगों से कहना यही है कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से करके रखिए। और ग्रुप डी के वालों के लिए वीडियो आने वाली है, कितने नंबर आ रहे हैं, क्या है, आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में मैं बात करूंगा। कट ऑफ के बारे में भी हम लोग आपके साथ बात करेंगे। तो ग्रुप डी वाले इंतजार करिएगा, आपकी वीडियो मिल जाएगी कल सुबह, ठीक है, अभी या रात को ही मिल सकती है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अपनी तैयारी करते रहिए, निश्चित तौर से वैकेंसी आनी है, ये तो है, पक्का श्योर है।